दलितों की असुरक्षा पे अखिल भारतीय मातंग संघ का आंदोलन। महाराष्ट्र के बारामती तालुके में लिमटे गांव में ओमसागर खिलारे ने रामचंद्र देवकुटे की हत्या की। ओमसागर खिलारे दलित समाज का बालक था। रामचंद्र देवकुटे को अरेस्ट करके फांसी की मांग अखिल भारतीय मातंग संघ ने की है। जब तक रामचंद्र देवकुटे को फांसी नहीं मिलती, तब तक ओमसागर परिवार को पुलिस सुरक्षा मिलनी चाहिए। जब तक खिलारे परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब तक संघर्ष चलता रहेगा, ऐसी घोषणा अखिल भारतीय मातंग संघ के नेता बाबा घोपले और कार्यकर्ता और समर्थकों ने की है। बारामती तालुके में लिमटे गांव में ओम सागर खिलारे, इनका रामचंद्र उर्फ बापू देवकुटे, उन्होंने हत्या किया है। ये बालक था, उन्होंने कुछ गुनाह किया नहीं है। इसके बारे में सब महाराष्ट्र में अखिल भारतीय मातंग संघ के और से सब लोग अभी निदर्शन कर रहे हैं। अभी उनको तुरंत अरेस्ट करके उनको फांसी देना चाहिए और सागर कुटुंबियों को पुलिस संरक्षण देना चाहिए। जब तक उनको फांसी नहीं मिलते हैं, नहीं दे सकते हैं, तब तक हमारा संघर्ष चालू रहेगा। इंदापुर तालुके में अंदुरने गांव में दलित पर हल्ला कर दिया है। दलित और पुलिस सुरक्षित नहीं है। पानगांव में पुलिस कर्मचारी पे हल्ला किया है, थाने में किया है लेडीज पुलिस पे। ये शासन को ध्यान देने के लिए हम 5 अप्रैल को मंत्रालय में बड़ा रैली निकलने वाले हैं। ये हमारे साथ अभी शाहजी लोंडे है, श्याम जाधव है, वीके जाधव है, योगेश शिंदे है, शिवाजी सिरसागर है। यहाँ अभी सब हमारे कार्यकर्ते सुनील गायकवाड़ है। ये महिला हमारे इधर संगीता हाथागड़े है। ये तुरंत ये लोगों को मालूम हुआ, इसलिए आज फेरी वाला संघ का रेलवे प्रशासन के खिलाफ धरना। मुंबई के दादर स्टेशन के बाहर फेरी वालों को रेलवे प्रशासन ने नोटिस दिए बिना हटा दिया। अन्नाभाऊ श्रमिक संघ और आरपीआई के तरफ से फेरी वालों को पर्यायी जगह देने की मांग की है। जब तक न्याय नहीं मिलता, तब तक मुख्यमंत्री के बंगले के बाहर आंदोलन के साथ रेलवे मंत्री सुनील प्रभु के घर घेराव डालने का इशारा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अन्नाभाऊ साठे संघ फेरी वाले, अखिल भारतीय मातंग संघ, ये लोग 50 साल से यहाँ बैठे हैं, अपना अपना निवारा करने के लिए बैठे हैं। ये लोगों को कुछ नोटिस नहीं दिया अभी तक और ये लोगों को हटाने का कोशिश कर रहे हैं। दहशतवादी लोगों के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुला कर सकते हैं, ये लोगों को न्याय क्यों नहीं दे सकते? जब तक ये लोगों को पर्याय कोई जगह नहीं दे सकते, तब तक हम सब मुंबई लोग के आंदोलन करने वाले हैं और मुख्यमंत्री को घेराव डालने वाले हैं और रेल मंत्री प्रभु जी को हम घेराव बंगले पे, अभी दिल्ली के लोग जा रहे हैं। जब तक हमको यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारा संघर्ष चालू रहेगा। एक तो आप पर्याय जगह दो, नहीं तो इधर ही जगह दो, माफ के दो ना। आप इतने जगह में बैठो, आप इतने जगह में बैठो। ये लोग अनुसूचित जाति के पिछले वर्ग के लोग हैं। ये लोगों को अभी गवर्नमेंट मकान बांधने के दे रहे हैं और ये लोगों के खुद धंधा करने के लिए, पेट भरने के लिए बैठे हैं। मुंबई में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन। मुंबई के साकीनाका चांदिवली में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस प्रोग्राम का आयोजक जिला अध्यक्ष बाबू सेठ ने किया था। इस कार्यक्रम में बाबू सेठ ने कहा कि बीजेपी पार्टी झुग्गी झोपड़े में रहने वाले गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं करती। उनका ये मानना है कि अगले महानगर पालिका के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी फिर से भारी मतदान से जीतेगा। हमारे लोग जो है, हमारे कमेटी में सब स्लम के लोग हैं और स्लम में समस्याओं का इतना भंडार है कि कभी अंत नहीं होता है। और हमारे लोग अभी आने वाले दिनों में जो इतना काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में और काम तेजी से करेंगे और इनको आदेश है, इनको गाइडलाइंस दी गई कि किस तरीके काम करना है, ताकि हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हमें जनता का काम करना चाहिए। ऑटोमेटिकली जनता हमारे लिए अभी आने वाले दिनों में वोट करेगी। जनता पस्त हो गई है ये भाजपा सरकार से। सिर्फ उन्होंने अच्छा अच्छा आश्वासन दिया, अच्छे मार्केटर हैं, मार्केटिंग अच्छा किया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भारी ताजतों में नुमाइंदे जो कांग्रेस पार्टी के रहेंगे, महानगर पालिका में विजय हमारी होगी। टी20 विश्व कप की पहली मैच में भारत की हार।
कल इंडिया ने अपना पहला T20 विश्व कप का मैच न्यूजीलैंड से 47 रन से हारा, जो टीम की कमजोर बल्लेबाजी का नतीजा था। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करके 127 का लक्ष्य टीम इंडिया को दिया था, पर नाकाम बैटिंग के बाद इंडिया सिर्फ 79 रनों पर सिमट गई। न्यूजीलैंड से मैच हारने के बाद धोनी अपनी टीम के साथ देते हुए नजर आए। न्यूजीलैंड से हार की वजह उन्होंने बल्लेबाजी में पार्टनरशिप की कमी बताई। अगले मैच में अच्छा प्रदर्शन करने का वादा और अपनी टीम से अच्छी परफॉर्मेंस दिलवाने का वादा उन्होंने अपने दर्शकों से किया। आई फेल्ट इट वाज द बैटिंग डिपार्टमेंट यू नो व्हिच कुड हैव डन स्लाइटली मोर। वी केप्ट आई थिंक एवरी अल्टरनेट ओवर वी लॉस्ट वन विकेट एंड इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट यू नो व्हेन वंस द टॉप ऑर्डर गेट्स आउट द बैट्समैन हु कम्स इन यू नो लेट्स टॉक अबाउट द 5, 6 or 7 दे हैव दैट प्रेशर ऑफ वन एक्स्ट्रा विकेट फॉलिंग। भारत माता की जय पर जबरदस्त जंग। ओवैसी के बयान से सियासी घमासान शुरू हो गया है। अलाहाबाद कोर्ट में ओवैसी के खिलाफ एक PIL दाखिल की गई है और ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए लखनऊ के एक निचले अदालत में भी अर्जी की गई है। ओवैसी के बयान के खिलाफ एक सियासी घमासान शुरू हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने तो ओवैसी को किसी और देश जाके रहने को ही कह दिया है। ओवैसी का कहना है कि उनके बयान पर कोई केस ही नहीं बनता, ये कहते कहते उन्होंने जय हिंद कहा और चलते बने। मुस्लिम कम्युनिटी ओवैसी के इस बयान को फिजूल का मुद्दा मानते हैं और मुस्लिम धर्म गुरु भी उनके इस बयान की सराहना नहीं कर रहे हैं। मुझे कोर्ट पर पूरा यकीन है, कोर्ट इंसाफ करेगा, कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं, जय हिंद। बांद्रा खेरवाड़ी हाईवे पर रफ्तार का कहर। कल देर रात 12:15 बांद्रा खेरवाड़ी वेस्टर्न हाईवे पर कुरियर से लदा टेम्पो पलट गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। टेम्पो के पलटने से टेम्पो चालक हुआ जख्मी, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा। दुर्घटना से अंधेरी बांद्रा हाईवे रहा घंटों जाम। बीच हाईवे पर गिरे कुरियर का माल उठाने के लिए दूसरे टेम्पो को बुलाया गया और कुरियर का सामान ले जाया गया। शेख अनिला, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई।